देशव तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें हैं, जहां पर आज सिंगर एवं भाजपा नेता रॉकी मित्तल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक और गाना शूट कर आज उसे जारी करने का काम सोनीपत में एक निजी रेस्टोरेंट में किया गया है। बता दें कि रॉकी मित्तल ने इस गाने की जो शूटिंग है वो राई विधानसभा के गांव जाखोली में की है, जहां पर राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली का काफ़ी सहयोग उसमें बताया गया है। और इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित बिंदल ने भी उनका काफ़ी सहयोग इस गाने की शूटिंग में किया है। और बता दें कि रॉकी मित्तल ने बताया कि मेरा मोदी मेरी जान के नाम से ये नया गाना जो है लॉन्च किया है, जिसमें सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक भी इस गाने में नजर आएंगे। और बता दें कि आज सोनीपत में जो है रॉकी मित्तल के साथ राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने जो है इस गाने को लॉन्च किया है। उनके साथ जो है अमित बिंदल भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने इस गाने की शूटिंग में भरपूर सहयोग जो है उनका किया है। और इस अवसर पर राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने रॉकी मित्तल का धन्यवाद भी किया, आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के गाने की जो शूटिंग है वो राई विधानसभा क्षेत्र में की गई है। और उन्होंने कहा कि रॉकी मित्तल ने जो है मेरे विधानसभा के गांव जाखोली में जो गाने की शूटिंग की उसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और दिल से जो है उन्हें आशीष भी देता हूँ। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में आएंगे, तो उसकी अग्रिम तैयारी के लिए भाई रॉकी मित्तल जी ने ये एक सॉन्ग जो आज लॉन्च किया है। इस सॉन्ग की शूटिंग जो है जखोली गांव है राय विधानसभा का, वहां पर हुई थी। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी विपुल देव जी उसमें आए थे, शूटिंग के समय भी जखोली गांव में आए थे। और आज आप सभी पत्रकार छायाकार साथी आप सबकी मौजूदगी में आज ये गाना लॉन्च किया है। इसके लिए मैं भाई रॉकी मित्तल जी को, भाई अमित बिंदल जी ने जो सहयोग इस शूटिंग में किया है उसके लिए भी अमित बिंदल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और राय विधानसभा को चुना इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी भाई रॉकी मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत जिला मेरे लिए एक लक्की रहा है। 2014 के चुनाव में मोदी जी की सबसे पहले रैली मैंने गोहाना में की थी और 19 के अंदर भी कमल का बटन दबा तो सबसे पहले मैंने यही किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि 2024 के लिए भी यदि सोनीपत इतना लक्की है तो शूटिंग भी क्यों न की जाए। मैंने पहली बार सोनीपत में शूटिंग की है और जखोली गाँव के लोगों का प्यार देख कर बड़ी खुशी हुई। और मोहन जी से मैंने गुजारिश की थी, मैं कह जी आपके कोई क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा गांव दो जो मेरा सहयोग करे। फिर साथ में अमित बिंदल जी आगे आए तो हमने मिलकर इस योजना पे काम किया और ये गाना पूरे हिंदुस्तान में तो लोग सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड में बजेगा। फिर से मांगे हिंदुस्तान मेरा मोदी मेरी मेरी जान। और बड़ी खुशी की बात है ये जखोली गाँव में शूटिंग होने के बावजूद जो योगी जी का फेसबुक पेज है उस पर भी एक ट्रेलर जारी किया गया। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको भी ट्रेलर उन्होंने भी जारी किया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी उन्होंने भी जारी किया, मनोज तिवारी जी ने भी जारी किया और काफ़ी मंत्रियों ने ट्रेलर को जारी किया। यानी कि ऑलरेडी ट्रेलर इतना हिट रहा ये। और मैं भी पहले सोचा था कि पता नहीं कैसे गाँव में शूटिंग होगी, लोग हुड़दंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार किसी गाँव में मैंने शूटिंग करी है मोदी जी के गाने की, लेकिन अच्छा लगा। और नेक्स्ट सॉन्ग भी मैं शायद यहीं पे करूँ, बोल के जय श्री राम कमल का बटन दबाओ मेरा वो नेक्स्ट गाना आ रहा है। और इस गाने की खासियत ये रही है कि मैंने विपक्ष पे कोई हमला नहीं किया, मैंने सिर्फ मोदी जी के कामों को दिखाया है, उनकी प्रशंसा की है। क्योंकि ना तो विपक्ष उस काबिल रहा कि उस पर हमला किया जाए, तो हमने तो अपना काम दिखाना है। हम इतने सक्षम हैं कि अपना काम दिखाकर भी वोट हासिल किए जा सकते हैं, विपक्ष की बुराई करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं। ओजस्वी तेजस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए
जो रॉकी मित्तल जी ने गाना बनाया बड़ा ही प्रशंसनीय है और हिंदुस्तान की वही पुकार अब की बार फिर से मोदी सरकार जो गाना बनाया फिर से मांगे हिंदुस्तान मेरा मोदी मेरी जान, ऐसे गाने आगे भी लगातार कामना करता हूँ रॉकी मित्तल जी से। इस तरह से हम आगे अग्रसर रहेंगे, इन कार्यक्रम के लिए गाने बनाते रहेंगे और सहयोग हमारा ऐसे ही लगातार जारी रहेगा।